हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आज एक नए दिन के साथ। और आज मैं आपको दिखाऊंगा ये हमारे खेत। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ धान के पौधे जो हैं टूटे हुए और गिरे हुए हैं। ये कल यहाँ हमारे गांव में इधर हाथी आया था तो इसने जो है धान की खेती को भी कुछ नुकसान पहुंचा है, पर हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं पहुंचा रखा है। यहाँ तो थोड़े से पेड़ जो हैं दबे। ये मेरा टमाटर का खेत है जो मैंने पिछले बार एक वीडियो बनाया था आपको दिखाया, और बारिश के कारण जो है ये पूरी तरीके से तबाही हो चुका है। शायद 10-15% पौधे इसमें बचे हों तो बचे हों, और बाकी तो इसमें कोई उम्मीद है नहीं पौधों के बचने की। तो दोस्तों, जो अपने यहाँ गांव में हाथी आया तो वो यहाँ पर से गया हुआ है। ये दिख रहा होगा आपको, ये पूरा ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का है। ये इसका पैर का बनाया हुआ गड्ढा, और ये आपको इसके पंजों के निशान दिखाई देंगे। ये बारीक से दिखाई दे रहे हैं। ये पता नहीं 2-3-4 फीट का एक गड्ढा है, इतना बड़ा, बहुत भयंकर होता है। और उसके बाद ये यहाँ पर पैर दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत हल्के से, मामूली से, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी ज़्यादा गीली थी तो इसलिए यहाँ पर ये शायद बहुत क्लियर दिख रहा होगा। ये गड्ढा है इसका बनाया हुआ, इस पर किसी के पैरों के निशान भी हैं। लोग इसमें चले हैं शायद देखने, सुबह से बहुत सारे लोग आए थे। ये जितनी मिट्टी आगे को गीली है उतना ये गड्ढा जो है गहरा होता जा रहा है। ये इस तरीके से ये जो है यहाँ पर बहुत सारे निशान बने हुए हैं हाथी के पैर के। ये और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एक ही पैर का निशान दिखाई देगा, क्योंकि हाथी हमेशा एक सीध में ही चलता है। ये बहुत मामूली सा इधर उधर ही हुआ है। और इसके बाद ये जो है ये आखिरी निशान है हमारे खेत में। और फिर ये यहाँ से जो है हमारे बगल वाले खेतों से होते हुए ये सीधे सीधे चला गया है। पता नहीं इसने आगे को कितना नुकसान किया होगा, गन्ने वन्ने से तो गया है तो कुछ तो टूटा ही होगा। तो कम से कम 30-40 सालों बाद जो है मैंने भी सुना है कि पहली बार हमारे खेत में ही आया है। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ नए नए वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।